नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। और अभी हम जा रहे हैं सिरोही। सिरोही के लिए हम घर से रवाना हो गए हैं और ये सिरोही का हाईवे आ गए हैं। पिपलेश्वर महादेव का मंदिर सिरोही से 6 किलोमीटर लगभग बाहर जाके पड़ता है। हाईवे से आपको लगभग 3-1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। बहुत ही कच्चा और दुर्गम रास्ता है और बिल्कुल सड़क नहीं बनी हुई यहाँ पर, वो कच्चे रास्ते पर, लेकिन है एकदम सीधा कच्चा रास्ता है। आप हाथ छोड़ के भी गाड़ी यहाँ पर चला सकते हैं। हालांकि हाथ छोड़ के गाड़ी चलानी नहीं चाहिए, लेकिन आसपास ना तो कोई ट्रैफिक है, दोनों तरफ जंगली झाड़ियाँ हैं और बहुत ही सुनसान बियावान कच्चे रास्ते पर सीधा सीधा रास्ता आपका वहाँ पिपलेश्वर महादेव मंदिर तक जाता है। इस मंदिर के बारे में मुझे सर्वप्रथम एक बाल महात्मा है सहदेव गिरी महाराज, उन्होंने बताया था। मेरे गुरुजी के देवलोक हो जाने के बाद उनके भंडारे में ये बाल महात्मा सहदेव गिरी महाराज आए थे। तो वहाँ गुरुजी के भंडारे में आने से कुछ दिन पूर्व लगभग 15 दिवस तक यहाँ ये पिपलेश्वर महादेव में मंदिर में रहे थे। तो मुझे सर्वप्रथम उन्होंने इसके बारे में बताया था, तब मैं इस मंदिर को देखने के लिए अपने परिवार को भी लेकर के जा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि वहाँ जाके इन सहदेव गिरी महाराज से इस मंदिर में रहने वालों की फ़ोन पर बात कराऊँगा, फिर देखता हूँ कि क्या होता है। तो मंदिर की ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं है, आराम से आप चढ़ सकते हैं। आने से पहले मेरे को घबराहट थी, पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ कितनी ऊंचाई है मंदिर की, लेकिन यहाँ आके सब घबराहट चली गई और ज़्यादा भी ऊंचाई मेरे को नहीं लगी और आराम से हम मंदिर तक पहुँच गए। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के प्रारंभ में बताया कि इस मंदिर में आने का मेरा उद्देश्य ये था कि यहाँ बाल महात्मा श्री सहदेव गिरी महाराज 15 दिन के लगभग रहे थे। तो मैं सोचता था कि इस मंदिर में मैं चुपके से जाऊंगा, क्योंकि अभी सहदेव गिरी महाराज जो है द्वारका यात्रा पे गए हुए थे, और उनको यहाँ से वीडियो कॉल करके पूछूंगा कि ये कौन सी जगह है, फिर देखूंगा कि वो इस जगह को पहचानते या नहीं पहचानते। तो मैंने मेरे प्लान के मुताबिक यहाँ आने के बाद यहाँ से सहदेव गिरी महाराज को द्वारका में सीधे वीडियो कॉल मिलाई और पूछा कि महाराज ये कौन सी जगह है। बढ़िया बढ़िया, ये बात भी मेरे पीछे कौन सी जगह पहचानते हो क्या, इस जगह को पहचानते हो क्या, ये जगह पहचानते हो क्या? सुन जी मैं आपसे आगे है ना। हाँ आज बाप जी इधर आए, आप तो थे नहीं, हो क्या करें, हमें तो कहीं जाना, तो आज इधर आ गए आपकी याद में। 2295 सीढ़ी चढ़े, 9999 हम तो उसके अंदर मर ही जाते हैं, पहुंच जाते ऊपर ही। तो ये मंदिर के दर्शन है, प्राचीन मंदिर है, पहाड़ी पे ऊपर बना हुआ है और आराम से यहाँ पे हमने फिर दर्शन किए। तो हमारे साथ में आप भी दर्शन कीजिए। तो यहाँ पे नगाड़े आरती का सामान रखा हुआ है, साइड में रसोई भी बनी हुई है और ये धूणा है, धूणे को जला के ही रखते हैं यहाँ के जो ग्रामीण हैं। और यहाँ पे पुजारी वगैरह नहीं है, जो भी सेवा मंदिर की है वो यहाँ के ग्रामीण ही करते हैं। तो बहुत पुराना यहाँ का ये जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है यहाँ पे पहाड़ी पे बना हुआ, और ये मंदिर का ही धूणा है। मत कर यार, प्यार करेगा जानवर ने दो पैर का करा। तो मंदिर के प्रांगण में यहाँ कुत्ते के पिल्ले मेरे बेटे को मिल गए खेलने के लिए, और इसको बड़ा ही शौक है तो ये भी इनके साथ में खेलने लग गए यहाँ पे। तो ये पिल्ले भी आपस में झगड़ा करने लगे हैं, खेल भी रहे हैं, तो इनको हटाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ताकि ये हट जाए और इनको चोट नहीं लगे।
तो अभी हमारे लिए चाय भी आ गई है और अभी हम चाय का प्रसाद ले रहे हैं और मंदिर के दर्शन करने के बाद में अभी हम यहाँ से रवाना हो गए हैं। तो यहाँ से रवाना होने के बाद में सिरोही में ही कालका जी का मंदिर बना हुआ है और साथ में कालका जी का तालाब, तो वहाँ के हम दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे, तो आप हमारे साथ में बने रहिए। हमने एक शिला लेख फोटो निकाला है, शिला लेख आपको दिखाते हैं। थोड़ा बिल्ली बदल गया यहाँ, इस पे लिखा हुआ है अखेलाओ तालाब, इंग्लिश में अखेलाओ टैंक, बुइट बाई अखेराज जी। तो ये तालाब राव अखेराज पहला ने जो उड़ना अखेराज के नाम से मशहूर है, विक्रम संवत 1560 में यानी 1503 ईस्वी में बनवाया था। यहाँ मछली या किसी किस्म का शिकार करना सख्त मान्यता है, मतलब सख्त मना है यहाँ पर शिकार जो है शूटिंग आदि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, फिशिंग एंड शूटिंग। तो ये इसका उड़ना अखेराज की कहानी क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ शिलालेख इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ देखो इस नाम में उड़ना अखेराज मैन है, कि जो उड़ना अखेराज के नाम से जाना जाता है, यानी ये सिरोही के ऐसे राजा थे जो उड़ते थे। ये उड़ने की कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं 1527 ईस्वी में सिरोही के शासक महाराव श्री अखेराज जी द्वितीय उड़ते थे, उनको उड़ना अखेराज नाम से जाना जाता है। तो कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उड़ते नहीं थे, द्रुत गति से आक्रमण करते थे। इनका जो घोड़ा था वो इतनी द्रुत चाल चलता था कि उड़ते प्रतीत होते थे। परंतु इस बारे में मेरे गुरु महाराज श्री सीताराम जी फलाहारी बाबा ने मुझे एक कहानी बताई थी। मेरे गुरु जी अभी देवलोक हो गए लेकिन उन्होंने मुझे एक बार एक कहानी बताई कि ये सिरोही के शासक एक बार शिकार खेलते हुए घने जंगलों में गए, तो वहाँ घने जंगलों में इनको एक तपस्वी महात्मा मिले और तपस्वी महात्मा के साथ में उनकी एक शिष्या भी थी, उनकी एक चेली भी थी महात्मा जी के साथ में। तो महाराव शिकार खेलते हुए काफ़ी थक गए थे, वो उन महात्मा के चरणों में गए, उन्होंने महात्मा को सादर प्रणाम किया। तो महात्मा ने आदरपूर्वक महाराव को बिठाया और महाराव को कहा कि आप जब यहाँ शिकार खेलते आए तो बार आपको एक सांप दिखाई दिया था क्या? उन्होंने सांप की आकृति का वर्णन किया कि ऐसा ऐसा एक सांप था जो आपको बार दिखाई दिया या नहीं दिया। तो महाराव जब शिकार से आ रहे थे तब उनको वास्तव में रस्ते में इस प्रकार का एक सांप दिखाई दिया था जैसा उन महात्मा ने वर्णन किया। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ महात्मा जी मुझे ऐसा एक सांप यहाँ पर दिखाई दिया। तो उन महात्मा ने कहा कि महाराव आप बहुत भाग्यशाली है, जाइए और उस सांप को जो है मार करके यहाँ पर लेकर आइए। तो उस समय के राजा महाराजा ऋषि मुनियों का आदर करते थे, उनकी बात नहीं टालते थे। तो तुरंत राजा गए उनको भगवान का आदेश समझ के, और वो सांप जो उनको दिखाई दिया था वापस गए तो सौभाग्य से उनको तलाश करने पर मिल गया और वो उसको मार करके ला करके उन्होंने उन संत महात्मा को पेश कर दिया कि महाराज मैं सांप को मार के ले आया। तो उन महाराज ने उस सांप को अपनी शिष्या को अपनी चेली को दे दिया कि इस सांप को पका करके लेकर आइए, यानी सांप की सब्जी बना करके लेके आइए। तो चेली ने सांप की सब्जी बनाई और उसको तीन प्यालों में डाल करके ले आई, एक प्याला जो है महाराज के आगे रख दिया, एक प्याला साधु महात्मा के आगे रख दिया, एक प्याला उन चेली ने खुद अपने पास में रख लिया। तो साधु महात्मा ने आदेश दिया महाराज को कि महाराज जब आप भोजन करना प्रारंभ कीजिए, प्रसादी ग्रहण कीजिए। तो महाराज को संकोच होने लगा, उन्होंने मना किया कि भाई महात्मा जी मैं आपके इस आदेश को नहीं मान सकता, मैं ये प्रसाद नहीं ले सकता। तो महात्मा ने पूछा कि क्या हो गया राजा महाराजा, तो सामिस भोजन करते हैं, सामिस का मतलब मांसाहार करते हैं, तो आपको इसमें क्या आपत्ति है? तो उन्होंने कहा कि हम सामिस भोजन करते हैं परंतु ये सांप का मांस है, सांप जहरीला हो सकता है, मैं ये सांप का मांस खाऊंगा तो मेरी एक प्रकार से हत्या हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं ये सांप का मांस नहीं खाऊंगा। तो महाराज ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। तो महाराज और वो चेली ने उन सांप के मांस को खा लिया, राजा वहाँ बैठे बैठे देखते रहे। तो उस सांप के मांस को खाने के बाद उन महाराज और उनकी चेली के पंख निकल आए और वो आकाश की तरफ उड़ गए। जब राजा ने सांप का मांस खाने से मना कर दिया था तब उन महाराज ने अपने चेली को कहा कि इनके हिस्से का भी जो प्रसाद है वो अपने दोनों के प्याले में डाल लो। तो महाराज के प्याले में वो प्रसाद रहा नहीं था और महाराज और उनकी चेली ने वो पूरा प्रसाद खा लिया। और उसके बाद उन्होंने महाराज को उड़ते उड़ते कहा कि महाराज आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, यदि आप इस प्रसाद को ग्रहण कर लेते तो आप जो है सह शरीर हमारे साथ ही स्वर्ग लोक में पहुँच जाते, हम लोग जो स्वर्ग लोक में जा रहे हैं। इस प्रकार का चमत्कारी का आपके मैंने कहा ही था आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको ऐसा सांप दिखाई दिया है। तो और तो महाराज और उनकी चेली तो उड़ करके कहते हैं स्वर्ग लोक में चले गए। उसके बाद महाराज ने सोचा कि मैंने मौका खो दिया, तो उन्होंने
उन चेली के प्यालों में और खुद के प्याले में जो थोड़ा बहुत अंश लगा हुआ था उसको वो चाट चाट के खा गए, कहते हैं उसको वो चाट गए कि देखते हैं इससे क्या होता है। तो इससे उनमें पूरी तरह से उड़ के स्वर्ग लोक जाने की क्षमता तो नहीं आई, लेकिन वो इतना उड़ने लगे थे कि 4-6, 5-6 फीट उड़ जाते थे और इसीलिए उड़ करके द्रुत गति से अपने शत्रु की सेना में अंदर वो घुस जाते थे, ऐसा कहते हैं। तो इतिहास में इसको उड़ना अखेराज के नाम से जाना जाता है। मेरे गुरु महाराज ने कहानी मुझे सुनाई तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने फिर मेरे कलेक्टर कार्यालय में आके मेरे सहकर्मियों से जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक ऐसे उड़ना अखेराज यहाँ शासक हुए थे जिनका एक शिलालेख यहाँ कालकाजी तालाब के मंदिर पर लगा हुआ है। तब मैं ये कालकाजी तालाब का मंदिर का शिलालेख देखने मेरे साथी सहकर्मियों के साथ आया था और मुझे प्राचीन शिलालेख ढूंढ करके बहुत आश्चर्य हुआ। आप भी उस शिलालेख के दर्शन कीजिए। तो अभी हम कर रहे हैं महाकाली माँ के दर्शन, तो हमारे साथ में आप भी कीजिए। मंदिर है ना, क्योंकि यहाँ तो मंदिर ट्रस्ट की ओर से ताला लगा हुआ है और दान पात्र बना हुआ है। और ये तालाब है मंदिर के पास में बना हुआ, और इसमें पानी, इस बार बारिश अच्छी हुई थी तो इसमें भी पानी काफ़ी अच्छा आ गया है। तो मंदिर पे छत नहीं है, खुले में ही ये मंदिर है। और कालकाजी का मंदिर अगर आप दर्शन करना चाहें तो आप सूर्य कभी आते हैं तो यहाँ पे मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर आके। सिरोही के इस कालका माता मंदिर का इतिहास ये माना जाता है कि सिरोही के एक पूर्व शासक महाराव श्री अखेराज जी द्वितीय के स्वप्न में पावागढ़ की महाकाली माता ने दर्शन दिए थे। पावागढ़ गुजरात में महाकाली माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ की महाकाली माता ने श्री अखेराज द्वितीय को, जिनको उड़ना अखेराज नाम से भी जाना जाता था, कहते हैं कि ये सिरोही के शासक उड़ते थे, इनको पावागढ़ की महाकाली माता ने स्वप्न में दर्शन दिए कि मैं किसी कारण से पावागढ़ के शासकों से रुष्ट होकर के आपके राज्य में आना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरा यहाँ तालाब पर मंदिर बनवाइए। यहाँ एक तालाब भी दरबार के समय का बना हुआ है। तो इस सपन में उनको महाकाली माता हाथी पे सवार दिखाई दी थी, इसलिए यहाँ हाथी पे सवार महाकाली माता की मंदिर है। शायद पूरे हिंदुस्तान में ये पहला ऐसा मंदिर होगा जहाँ पर महाकाली माता हाथी पे सवार है। और कहते हैं इस मंदिर की कभी छत नहीं लगाई जा सकती, अनेक बार इस मंदिर की छत लगाने के प्रयास किए गए लेकिन छत गिर गई और मूर्ति का कुछ भी नहीं बिगड़ा, इसलिए फिर इस छत के बिना, बगैर छत का मंदिर इसको रहने दिया गया। आज भी ये 1527 ईस्वी में श्री अखेराज जी द्वितीय हुए थे उनके टाइम से लेकर के आज तक ये बिना छत का मंदिर ही चल रहा है और यहाँ हाथी पर सवार इन महाकाली माता की पूजा होती है। तो मंदिर के दर्शन के बाद में चलिए अभी हम आपको तालाब के दर्शन करवा देते हैं। ये पूरा बड़ा तालाब बना हुआ है और पिछले बार जब हम यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल सूखा था और हमें बहुत दुख हुआ था कि बिल्कुल सूखा है, लेकिन फिर गर्मी में इतनी बारिश हुई कि इसमें जो है पानी काफ़ी आ गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। मैं तो पहली बार आया हूँ। तो अभी बच्चों की सेल्फियाँ शुरू हो गई है और काफ़ी अच्छा है, पहाड़ों में बीच में तालाब में पानी देख के तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। तो आप कभी आए तो यहाँ पे माता जी का दर्शन कीजिए, साथ में ये तालाब ज़रूर देखें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और यहाँ से अभी हम हो रहे हैं रवाना। तो घर जाने से पहले सिरोही का जो मार्केट है वहाँ मैं जाने वाली हूँ और यहाँ से ढोलक के साथ में जो मंजीरे होते हैं, जो घंटी वगैरह होती है, वो यहाँ से लेने वाली हूँ, मेरे को चाहिए। तो ये यहाँ से हम ख़रीदारी कर रहे हैं इनकी।
तो अभी हम हो गए हैं घर के लिए रवाना। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।